पाकिस्तान की ओर से हो रहे लगातार आतंकवादी हमले और देश में कुछ नौजवानों के गुमराह होकर आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर आज आतंकवाद के विरोध में पंजाब हिमाचल की सीमा पर स्थित गांव माजरा में मुस्लिम भाईचारे की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब हिमाचल और जम्मू कश्मीर के मुस्लिम भाइयों के साथ साथ जम्मू के विधायक भी हिस्सा लेने के लिए विशेष तौर पर पहुंचे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक होने का संदेश युवा पीढ़ी को दिया और साथ ही साथ देश में बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ सभी को इकट्ठा होकर देश के विरोधी ताकतों को देश से निकालने का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू सिख मुस्लिम और ईसाई सभी का आपस में भाईचारा है। जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं वो सच्चे मुसलमान नहीं है। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर पहुंचे जम्मू के विधायक ने कहा कि हमारा इस तरह के सम्मेलन करवाने का एक ही उद्देश्य है कि नौजवान पीढ़ी को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा कर सके, क्योंकि इस्लाम प्यार सिखाता है ना कि किसी को मारना। जो ये बात समझते हैं वो कभी भी आतंकवाद का रास्ता नहीं चुनेंगे। इस्लाम जो है वो प्यार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, और जो हमारी किताब को सही तरीके से समझेगा कुरान शरीफ को, वो दुनिया के हम समझते हैं हमारे मजहब के हिसाब से वो दुनिया के सब कानूनों से बड़ी किताब है। अगर उसको कोई पढ़ लेगा तो उसको ये पता लग जाएगा कि कानून किस चीज़ का नाम है। चोरी नहीं करनी है, शराब नहीं पीना है, कोई बुरा काम नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। तो ये चीज़ मैंने कही कि इस्लाम का असली रास्ता जो है वो ये है। तो इस मज़हब के मुताबिक अगर कोई ये बात कहे कि ये फिसाद की बात करता है तो ये मोहब्बत अहबत और प्यार की बात करता है, वो मैंने एक चीज़ जो है वो यहाँ पे कही। इन इज्तमात करने का मकसद ही यही है कि हम अपनी युवा पीढ़ी जो है उसमें ये उलमा हज़रात जो हैं वो सही रोशनी जो हमारे मज़हब की है वो उस युवा पीढ़ी तक पहुँचा सकें। और वो सही चीज़ क्या है, वो मोहब्बत, इखलाक, प्यार, मेहनत और नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, मेहनत करनी, चोरी नहीं करनी है, हराम का पैसा नहीं कमाना है, हलाल की कमाई करनी है। बुनियादी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो भी यही है। कुछ लोग आज के दौर पर, आज की जो सिचुएशन बिगड़ी हुई है, इस हालात पर बोले हैं, और ख़ास तौर से मुद्दा ये रहता है लोगों का कि देश भर में आजकल आतंकवाद जो बुरी तरह से फैल रहा है, जिससे सभी हजरात परेशान हाल हैं। कोई भी दुनिया का ऐसा आदमी नहीं जो आतंकवाद से परेशान ना हो, लेकिन आतंकवाद के असली चेहरे उभर कर सामने नहीं आते हैं, ना उनको कभी कोई पहचान पाता है। सीधा साधा एक दाढ़ी वाला आदमी ले लिया जाता है और ये कहा जाता है कि दाढ़ी वाला है तो आतंकवाद है। तो मैं वाजे कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इस कम्युनिटी में जो बनाम मुसलमान हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वहाबी विचारधारा से ज़्यादातर बिलोंग करते हैं। तारीख का हर वर्ग ये बताता है कि आतंक पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ जब फैलाया है, यकीनी तौर पर दाढ़ी वाली वालों ने फैलाया है, लेकिन वो दाढ़ी वाले जो वहाबी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपने आप को मसलक देवबंद का पैरोकार कहते हैं, उन्होंने ये काम किया है। तो हम हर जगह ये मैसेज देते हैं, ये पैगाम देते हैं, गुजारिश करते हैं सभी हजरात से कि इन तबका के लोगों से जो कौम में फूट डालते हैं, जो मारने मरने की बात करते हैं, जो लड़ाने की बात करते हैं, जो अख़ुवत व मुसावात से हट जाते हैं, इन लोगों से बचने की हम लोग सभी हजरात जो हैं वो पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को अपने घरों में ना दी जाए, ऐसे लोगों का साथ ना निभाया जाए, ऐसे लोगों के साथ ना रहा जाए। अभिषेक शर्मा, दिव्य पंजाब, टीवी पठानकोट।